बातचीत करने का जरिया नहीं बदलता, और एक बार आदमी पति बन जाए नजरिया नहीं बदलता। डॉक्टर प्राइवेट होगा कि सरकारी? हम भूत हैं, इंसान नहीं। क्या बात है वाह। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ममता जी, इस बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहा जाता है, और मेरी बात से राजेंद्र मालवीय और राजीव शर्मा इत्तफाक रखेंगे, कि महिलाओं को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो कब क्या रिएक्ट कर दें कुछ पता नहीं चलता। जैसे एक लड़की स्कूटी चलाते हुए जा रही थी, हालांकि ये भी बड़ा कमाल का है, मैंने एक लड़की को देखा एक दिन, मोहल्ले में मिठाई बांट रही थी, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज पहली बार मैंने ब्रेक लगा के रोकी है। वरना कब कौन चपेट में आ जाए, तो वो महिला जिसकी बात मैंने शुरू की थी वो तेजी से जा रही थी, एक ट्रैफिक हवलदार ने रोका, मैडम आपको पता नहीं है 40 से ऊपर चलाना मना है? बोले मैं तो 35 की हूं। कब क्या रिएक्ट कर दें, क्या भरोसा। हमारे एक दोस्त ने आके मुझसे एक बात कही, शैलेश भाई विश्वास उठ गया। तो किस पर से विश्वास? भगवान से, भाग्य से, सबसे विश्वास उठ गया। उनका क्या हुआ? बोले एक लड़की से मोहब्बत करता हूं, तो मैंने जाके कहा कि मैं तुझसे पूरी तरह से प्यार करता हूं, तो उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। हाँ पूरी तरह से प्यार, कई किस्मों के प्यार होते हैं, ये पूरी तरह से वाला था, तो पूरी तरह से प्यार करता हूं, उसने रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा फिर हुआ क्या ये तो बता। बोले फिर मैंने सोचा अंग्रेजी में बोलूं, तो अंग्रेजी में बोला आई लव यू टोटली। बोले मुझे नहीं पता था कि वो ये रिएक्ट करेगी। जैसे ही मैंने कहा आई लव यू टोटली, तेरी माँ टोटली, तेरा बाप टोटला, तेरा खानदान टोटला। कब कौन क्या रिएक्ट कर दे समझ में ही नहीं आता है। लेकिन अगर तीन ऐसे लोग बैठे हो तो आप लोगों को क्या रिएक्ट करना ये आपको समझ में आता है ना, तो कहिए वाह भाई वाह। तो हमारे सामने तीन लोग बैठे हैं जिनमें से एक बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे हुए हैं, और गंभीर इसलिए हैं कि एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो ये लेक्चरर बन के ही आए हैं एकदम से, ऐसा लग रहा है बस क्लास शुरू ही होने वाली है। ये प्रोफेसर राजीव शर्मा हैं जो इंदौर से हमारे बीच में आते हैं, और क्या विषय पढ़ाते हैं मैं भी नहीं जानता। मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पढ़ाता हूं। अच्छा आप पत्रकारिता पढ़ाते हैं? जी। वाह आप पत्रकारिता पढ़ाते हैं और हिंदी कवि हैं? जी। क्या बात है, हमेशा ऐसे ही गुस्से में रहते हैं? नहीं नहीं, प्रसन्न रहता हूँ। क्लास में भी ऐसे गंभीर होके जाते हैं? बिल्कुल नहीं, खिलखिलाते हुए जाते हैं। खिलखिलाते हुए बच्चे मान जाते हैं फिर? जी जी। अच्छा अच्छी बात थोड़ी, गंभीर होके जाया कीजिए आप प्रोफेसर। आधा गंभीर और आधा हंसते हुए जाता हूँ। अरे ये कमाल का लेके आया आप यार, आधा गंभीर और आधा हंसता, ये बढ़िया बात है यार, ये मजा आ गया मुझे। मतलब आप कल्पना कीजिए आधा गंभीर और आधा हंसता हुआ कोई प्रोफेसर आ रहा है कमरे में, आधा गंभीर। बच्चों आज मैं तुम्हें पत्रकारिता पढ़ाऊंगा, चुपचाप बैठो। और अगर कोई बीच में बोला थप्पड़ मार दो, ये आधा गंभीर और आधा ऐसा खिलखिलाट वाला, जहां गंभीर होना चाहिए वहीं गंभीर। जहां गंभीर होना चाहिए वहीं गंभीर, गंभीर। कहां गंभीर होते हैं आप? जब विषय ऐसा हो। मतलब विषय कैसा हो? गंभीर वाला विषय हो।
जब गंभीर वाला विषय हो तब गंभीर हो जाते हैं। तो ये तय कौन करता है कि विषय गंभीर वाला है? वो जो लिखावट है वो तय करती है। लिखावट तय करती है कि विषय गंभीर वाला है। जी, जी। लिखावट तो समान रूप से छपी होती है। नहीं जी, उसके शब्द चयन से स्पष्ट होता है। शब्द चयन से स्पष्ट होता है गंभीर। जी जी। तो नॉन गंभीर विषय कौन सा होता है? जो सतही विषय होते हैं, जो जैसे एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा, उसमें कुछ बच गए, अच्छा, तो ये सतही हो गया, अच्छा, लेकिन कुछ मर गए, हाँ, तो गंभीर हो गया। अच्छा, तो एक ही विषय में दोनों कैसे फंसाएंगे आप? घटना के हिसाब से फंसाएंगे कि एक एक्सीडेंट में कुछ लोग बच गए, जी, तो ये सतही है, खुशी की बात है, और कुछ लोग गए तो ये गंभीर हो गया। गंभीर हो गया क्योंकि कुछ लोग गए वहां, हंस नहीं सकते। किसी की बीवी कहीं बस में जा रही और एक्सीडेंट हो जाए, जी, और उसे ये खबर मिले कि गई, और वहां जाके पता चले कि तो जिंदा है, तो ये गंभीर है कि सतही है, ये बताइए। ये शैलेश भाई, ये पति के नजरिए पर निर्भर करेगा कि ये गंभीर है या ये सतही है। देखो साहब, जिंदगी में कुछ भी हो, कुछ भी हो, है ना, बातचीत करने का जरिया नहीं बदलता, और एक बार आदमी पति बन जाए नजरिया नहीं बदलता। तो ये राजीव शर्मा जी हैं, इनके पास जो बैठी है वो ममता शर्मा जी हैं, और जो तीसरे हैं वो शर्मा जी नहीं है, वो मालवीय जी हैं, जो राजेंद्र मालवीय इटारसी से आते हैं। अब इटारसी नाम में ही रसी छुपा हुआ है, तो जिसके नाम में ही रसी हो वो व्यक्ति कितना रसीला होगा। तो आइए राजेंद्र मालवीय जी, जोरदार तालियां बजाइए राजेंद्र मालवीय जी। तो मामला कुछ इस तरह से चल रहा है, मेरे मोहल्ले के लड़की का नाम था मिली। अच्छा। बड़ी मिलनसार थी मिली, फूल की तरह खिलती थी, सबसे प्यार से मिलती थी। एक बार शैलेश जी से ऐसी मिली, फिर किसी को नहीं मिली। वास्तव में महिलाओं को समझना कठिन काम है। मैंने पेटीकोट और ब्लाउज पहनने के बाद, पेटीकोट और ब्लाउज पहनने के बाद जैसे ही मैंने पेट ऐसे क्या घूर के देख रहा हूं, मैंने क्या देखी। मैंने पेटीकोट और ब्लाउज पहनने के बाद जैसे ही साड़ी खोंचना शुरू किया, वो पत्नी जोर से बोली, पागल हो गए क्या, मेरी साड़ी पहन रहे हो? घर परिवार और समाज से थोड़ा तो डरो। अरे माना के तुम कवि हो, मगर इतना बड़ा पागलपन तो मत करो। तो मैंने कहा, मैं तुम्हारे कपड़े पहनूं, ये वास्तव में पागलपन ही है, मगर ईमानदारी से बताओ, इस पागलपन की शुरुआत किसने की है? तुम हमारे पैंट शर्ट सूट बूट पहनो तो मॉडल मन, और हमने साड़ी पहन ली तो पागलपन। और एक कविता और आपको सुनाता हूं कि हवाई जहाज में हमारे हॉलैंड के हम सफर हैरिसन लॉरी ने हमसे पूछा, हवाई जहाज में हमारे हॉलैंड के हम सफर हैरिसन लॉरी ने हमसे पूछा कि हमारे देश का डॉक्टर एक मरीज को 4 दिन में ठीक करता है, तो तुम्हारे भारत का डॉक्टर उसी मरीज को कितने दिन में ठीक कर पाएगा?
हमने कहा ये बात हम तुम्हें बाद में बताएगा, पहले तुम हमें ये बताओ लिस्टर लारी डॉक्टर प्राइवेट होगा कि सरकारी। मास्टर मलेरिया के नाम से रोता है, संपन्न घरों का ब्लड प्रेशर गड़बड़ होता है, अरे अरे भूख की बीमारी है, हमें दिलवाली कहाँ, और कभी हमारा भी हार्ट अटैक हो हम इतने सौभाग्यशाली कहाँ। क्या बात, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रायन भाई, क्या बात है, आहा हा, इसे कहते हैं देखिए पकड़ और पहुंचना, बहुत बढ़िया। जैसे आप डॉक्टर की बात कर रहे थे, होता है डॉक्टर से, यहाँ ऐसा होता है, मेरा एक दोस्त गया डॉक्टर के यहाँ, इंजेक्शन लगाना था, बोले इंजेक्शन लगाऊंगा बिल्कुल दर्द नहीं होगा, तो लगा देखो बिल्कुल दर्द नहीं हुआ, बोले आपने मेरे पर्स में लगा दिया है। क्या किया जाए, लेकिन सही है कि डॉक्टर सरकारी है या प्राइवेट है। तब मुझे डॉक्टर उर्मिलेश का एक दोहा याद आता है, वो कहते हैं कि टीचर को ट्यूशन मिले, मिले वकील को केस, टीचर को ट्यूशन मिले, मिले वकील को केस, डॉक्टर को रोगी मिले, जाए भाड़ में देश। हम लोगों का सत्य सिर्फ इतना सा रह गया, लेकिन देश की समस्याओं को अपनी कविताओं में उजागर करने वाले प्रोफेसर राजीव शर्मा हमारे बीच में, चाहता हूं राजीव आए और अपनी कविता सुनाए, जोरदार ताली में स्वागत कर रहा है। शैलेश भाई एक व्यंग रचना सुना रहा हूँ। व्यंग रचना का शीर्षक है तरबूज का भूत। तरबूज का भूत, जी जी, तरबूज कलिंगर। एक रोज एक व्यक्ति एक तरबूज खरीद कर लाया और तरबूज काटने पर उसने ये पाया कि तरबूज के कटे हुए भाग से पहले तो धुआं निकला, फिर धुएं के साथ साथ एक जवान भूत निकला। अच्छा, भूत को देखकर व्यक्ति घबराया कांपा, मगर व्यक्ति के डर को भूत ने भापा। भूत ने कहा, डरो मत मुझसे, तुम्हें कोई काम हो तो कहो मुझसे, मगर काम बताने में थोड़ा होशियार रहना, मुझे एक काम से अधिक नहीं कहना। मैं नहीं कहूंगा। भूत की विनम्र वाणी सुनकर व्यक्ति का डर भागा। मुझे एक काम से अधिक नहीं कहना, भूत की विनम्र वाणी सुनकर व्यक्ति का डर भागा और व्यक्ति के अंदर का भूत भूत से काम लेने को जागा। फिर भी व्यक्ति ने सशंकित हो पूछा, क्या मैं जो कहूंगा वो तुम सचमुच कर दोगे, कहीं तुम मुझे बीच में धोखा तो नहीं दोगे। तो भूत ने कहा, विश्वास रखो, हम भूत हैं इंसान नहीं। क्या बात है, वाह वाह बहुत अच्छे। विश्वास रखो, हम भूत हैं इंसान नहीं, मुर्दे जरूर हैं कौम के गद्दार नहीं। अरे हो सकेगा तो करेंगे, हो सकेगा तो करेंगे, नहीं तो साफ नहीं कह देंगे, भूत धर्म में धोखा देकर पाप स्वरूप आदमी नहीं बनेंगे। वाह वाह वाह। तो व्यक्ति ने कहा, ठीक है जाओ और मेरे दोनों हाथ खाली हैं, ढूंढ कर कोई रोजगार ले आओ। ये काम सुनते ही भूत के चेहरे पर गम आ बसा, फिर एकाएक वो खिलखिला कर हंसा, बोला, कोई और काम बताया होता, पिछले जन्म की याद को न सताया होता, अरे 3 रोज पहले ही की तो बात थी, घोर अंधियारी रात थी, तब मैं भी इंसान था, तुझ जैसा 22 वर्षों का नौजवान था, हाई स्कूल इंटर बीए एमए सभी में फर्स्ट क्लास था, मगर फिर भी मैं बेकाम था, अतिरिक्त योग्यताओं में मैंने बहुत से इनाम पाए थे, साहित्य संगीत और कला के प्रमाण पत्रों से जिंदगी के आयाम सजाए थे, दोस्तों के संग संग मैंने भी प्यार के गीत गाए थे, जिंदगी जीने के जीवंत जज्बात जगाए थे, मगर इन डिग्रियों का बोझ लेकर जब मैं जीवन सड़क पर आया तो रोजगार को मैंने बहुत दूर दूर पाया। इसे पाने के लिए मैं कहां कहां नहीं भटका, पहले गुजरात फिर यूपी और अब एमपी आ टपका, सभी दूर समाचार पत्रों में वांटेड के कॉलम निकलते थे,
सभी दूर समाचार पत्रों में आवश्यकता है कि विज्ञापन छपते थे जो मेरी योग्यताओं के पैमाने पर खरे उतरते थे, मगर वहां पर चयनित वे ही होते थे जिनके जैक लंबे और जेब मोटे होते थे, चाहे वे योग्यता में मुझसे बेहद छोटे होते थे। भूत ने कहा मगर मेरा चयन नहीं हो पाता था क्योंकि मैं तो रिश्वत भी नहीं दे पाता था। इसलिए आज से 3 रोज पहले मैंने अपने सारे प्रमाण पत्रों को जला डाला, अपने हाथ से अपने गले में रस्सी का फंदा डाला और मैंने अपने आप को मार डाला भूत ने कहा, ये जो धुआं देख रहे हो ना मेरे साथ, ये है मेरे जलते प्रमाण पत्रों की आग। ये जो सूं सूं की ध्वनि आ रही है मेरे साथ, ये है मेरे सिसकते कराहते मरते दम तोड़ते अरमानों की आवाज। भूत ने कहा ए भाई सुन, जब तेरी औलाद हो तो उसे केवल स्कूल नहीं भेजना, कोई हुनर भी सिखाना। और याद रख, जब कभी भविष्य में कोई तरबूज लाए और तरबूज के काटने पर किसी जवान भूत को पाए तो उसे सब काम बताना, लेकिन ये काम नहीं बताना कि ऐ भूत बाबा जरा रोजगार दिलाना। वाह 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 वाह। क्योंकि हिंदुस्तान में जितने भी युवा खुद का गला घोंट मरते हैं, ज्यादातर बेरोजगार होते हैं, इसलिए बेघर बार होते हैं। भूत ने कहा, यदि मेरे पास रोजगार होता तो मेरा भी घर बार होता, फिर तू ही बता यार, मैं तरबूज में क्यों रहता, हिंदुस्तान का नौजवान होता, भारत का नौजवान होता। बहुत अच्छा राजीव, क्या बात है, वाह बहुत बढ़िया, वाह। देखिए पीड़ा किस कदर दिल पर पहुंचती है, ये इन सब युवाओं ने खड़े होकर बता दिया कि दर्द जो है उसकी जुबान जो है वो सब समझते हैं, पीड़ा जो है उसकी भाषा सब समझते हैं, संवेदनाएं सबके हृदय के द्वार खटखटाती है। मैं बात करना चाहूंगा हमारी ऑडियंस से, क्या कहना चाहते हैं आप, क्या नाम है मैम आपका? सुहाना। सुहाना, यस सर। जी सर, मुझे आपसे एक सवाल था, मुझे पूछना है क्या आप सब कवि में कैसे आती है ये भावना है जिसे आप इतनी अच्छी अच्छी कविताएं सुना पाते हो? सुबह निकलते घर से और रास्ते में जो पहली भावना मिल जाए सुहाना, ये मजाक की बात है, आप सब लोगों में वही भावनाएं होती हैं, आप सब लोगों में भी वही इमोशन होते हैं, हम लोग कोई अलग नहीं है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद है हम उन्हें शब्द दे पाते हैं। जब तक हम असमानता के बोझ से दबे रहेंगे, जब तक लोग अपने दिल की बात नहीं कहेंगे, जब तक लोगों पे सिर्फ खामोशी होगी, जब तक रूठी हुई हम सबसे खुशी होगी, और जब तक समाज में इंसानियत यूं शर्मिंदा रहेगी, तब तक कविता जिंदा रहेगी। भाई कमाल हो गया है, आज अद्भुत महफिल चल रही है और आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं जानता हूं। तब बिना किसी देर के मैं बुलाना चाहता हूं उन्हें जिन्हें सुनने के लिए आप बेसब्र हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि उनका नाम और उनकी कविताएं दोनों ही जो है वो इस देश के हर व्यक्ति को पता है। मैं चाहता हूं ममता शर्मा आए और अपनी गजल सुनाए, जोरदार तालियों से ममता शर्मा। थैंक यू शैलेश। देखिए शिमारू ने यहाँ पर कितनी यूथ को कविता से जोड़ के रखा हुआ है, एंड आपको इसका पूरा पूरा श्रेय जाता है। थैंक यू शैलेश सो मच। थैंक यू। एक क्योंकि यहाँ लड़कियाँ बहुत बैठी हुई हैं, इसलिए लड़कियों की जिंदगी पर एक गजल आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा शैलेश। लड़के निकल लो। देखिए लड़कों ने हमेशा से लड़कियों से मोहब्बत की है, तो लड़के तो कहीं जाने वाले हैं नहीं बेचारे। कि पत्थरों पर मेहरबान है लड़कियां, क्या बात, कि पत्थरों पर मेहरबान है
घरों पर मेहरबान है पत्थरों पर मेहरबान है लड़कियां। शेर सुनेगा कि जो भी चाहे जहां गुनगुना ले इन्हें, जो भी चाहे जहां गुनगुना लड़के सभी आपके घर के मालिक है लड़के सभी आपके घर के मालिक है लड़के सभी आपके घर की मेहमान है लड़कियां आपके घर की मेहमान है लड़कियां पत्थरों पर इनको होठों की मुस्कान समझो ना तुम इनको होठों की मुस्कान समझो ना तुम इनको होठों की मुस्कान समझो ना तुम चंद अशकों की संतान है लड़कियां पत्थरों पर मेहरबान है लड़कियां कि दिल की आंखों से पढ़कर समझिए इन्हें दिल की आंखों से पढ़कर समझिए इन्हें बेसुबानी का दीवान है लड़कियां पत्थरों पर मेहरबान है लड़कियां गजल का आखिरी शेर है कि जिस्म को छोड़कर रूह को देखिए जिस्म को छोड़कर रूह को क्या बात है ममता पत्थरों पर मेहरबान है लड़कियां देखिए कितनी नादान है लड़कियां पत्थरों पर मेहरबान है लड़कियां देखिए कितनी नादान है लड़कियां जो रोज मुझे छुप छुप के कई बार देखा करता था जो रोज मुझे छुप छुप के कई बार देखा करता था आज देखा ही नहीं इस बात पे परेशान है लड़कियां और जो कहने जा रहा हूं आपने बिल्कुल ठीक है ये तो अच्छा है कि ये हैं वरना जंगल हो जाते हम ये तो अच्छा है कि ये हैं वरना जंगल हो जाते हम खुदा का बहुत बड़ा एहसान है लड़कियां जाते जाते मुझे एक मकबूल शायर का शेर याद आ गया ये जितने बुजुर्ग हैं ये हमारी बहुत बड़ी संपत्ति हैं ताकत हैं तो कहा गया है कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए सूखने लगे तो जलाने के काम आए वाह भाई वाह